अकेले अकेले में देखो, हाँ इसको खुद ही गाना गा रही, खुद ही डांस कर रही है। आप बारिश देख सकते हो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा सवेरे से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब अभी 8 बज चुके हैं और आप बारिश देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है और कल रात से ही हो रही है बारिश यहाँ पे। और इतना मतलब आकाश इतना वो हो रहा है ना, ऐसी चाल चमक रही है, बता नहीं सकती आप लोगों को। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। मैं अंदर चलती हूँ, तेजस्वी को दिखाती हूँ आपको। उड़ चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं तेजस्वी उड़ चुकी है, तो मैंने उसको फल काट के दे रखे हैं, वो अपना खा रही है। इधर देखना बेटा, बहुत ज़्यादा थकी थकी जैसी हो रही है तबीयत, इसकी भी ठीक नहीं लग रही है। कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज आ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ गई है, कभी फिर ठंडा इतना हो जा रहा है, और ऐसे ही हो रहा है। तेजस्वी अंगूर मत खाना बेटा, छोड़ दो उसको और चीज़ का, खा लो फिर खा लो। तो अभी चलते हैं और काम करने के लिए, थोड़ी देर के बाद मिलते हो आप सभी लोगों से, ठीक है? और चल तू खा ले, बैठे रहना बेटा। अरे बेटा यहाँ पे, अरे रुक जा। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्लॉगिंग, सुबह सवेरे कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग सारी होने के बाद और नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है। सो नाश्ते में आज पोहा बना है, क्योंकि परसों बारिश हुई थी, फिर आज ना फिर से कोहरा लग गया है। मैं आप लोगों को अभी बाहर का मतलब दिखाती हूँ ना व्यू कि कैसा हो रखा है, तो आप खुद ही मतलब पहले ठंडा जा रहा है, फिर थोड़े दिन गर्मी हो रही, बीच में फिर ठंडा जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो एक बार आपको दिखाती हूँ कि बाहर कैसा हो रहा है, ठीक है? चलो आइए व्लॉग में और बने रहिए अंत तक मेरे साथ, ओके? कुछ देर के लिए बाय बाय। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं कपड़े तो सुबह ही टांग के चली गई थी, थोड़ा उधर भी टांगे हैं बच्चे के पजामे वगैरह, और ये तकिए के कवर वगैरह थे। तो आप मौसम देख सकते हो कितना, मतलब ऐसा लग रहा है ना बारिश हो ही जाएगी, इतना घना कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था ना, पानी की तरह टपक रहा था वो पूरा। और ये देखिए, वो देखिए आने लग गए हैं उसमें, ऐसे ना आप देख रहे होंगे गोल गोल, एक मिनट, हाँ दाने टाइप के लगे होंगे ना, अब बढ़ गए पता है, और अब फटाफट से इनमें फूल आ जाएंगे। और चलते हैं नीचे और दिखाओ, गिलहरियों ने परेशान करके रखा है यार, कपड़े फाड़ दे रहे हो। इस वाली छत में आप देख सकते हैं, ये छत कितनी गंदी हो जाती है, क्योंकि अब इसके सारे के सारे ना पत्ते झड़ने लग गए हैं, फूल ही फूल बसता है ना फिर, तो ये बहुत गंदी हो जा रही है छत, रोज़ झाड़ो फिर भी उतना ही हो जा रहा है। और इसमें ना वो दिखाऊँ आपको, वो देखो दाने टाइप के दिख रहे हैं ना, अब आ गए देखो बहुत सारे, और सारे के सारे ना इसके पत्ते झड़ जाएंगे। और सिमल में, सॉरी, ये देखिए सहजन में भी फूल आ गए हैं ना, इनकी सब्जी भी बनती है पता है, बहुत अच्छे होते हैं। उधर तो बहुत अच्छे से आ रखे हैं, उसमें तो वाइट कलर के फूल भी आ गए बड़े बड़े वाले, वो देखो। इस वाले में अगर आ जाएंगे ना फूल, तो मैं भी तोड़ूंगी, एक सब्जी मैं भी बनाऊंगी, टेस्ट करूंगी कि कैसी होती है। इसमें भी आ जाएंगे ना, अभी नीचे भी हो रहा है, तो चलते हैं हम नीचे फ्रेंड्स। तेजू यहाँ पे अटका है देख, फल खा रही है, उसको पता ही नहीं चला कहाँ पे गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना नाश्ते में कर लेते हैं हम पोहा, ठीक है? और सॉसेस में थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, मुझे वैसे भी पसंद है। तो कैसा लगा आपको? और खाना है तो पोहा, जिस जिसको पसंद है जल्दी आ जाओ। तो हम खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ओके? टेस्ट करके दिखाऊं आपको, टेस्ट कैसे करोगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता करने के बाद
मैं ना सोच रही हूँ कि धूप आ जाती तो इसको क्या बोलते हैं ऊपर लेके थोड़ा सा इसकी छत पे ऐसे ही मालिश कर लेती। अभी धूप निकली नहीं है तो इसको, ये भी उड़ गई तो मैंने इसको भी नाश्ता वगैरह करवा दिया है। तो फ्रेंड्स यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। सो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ बाय बाय।